उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर लगे जनता दरबार के बीच एक शिक्षिका ने जमकर हंगामा किया। इस जनता दरबार में खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लोगों की समस्या सुनने के लिए मौजूद थे। इसी बीच उत्तरकाशी जिले की एक शिक्षिका ने अपने तबादले की मांग को लेकर यहां हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाली शिक्षिका का नाम ऊर्जा बहुगुणा है और वह गुरुवार को सीएम आवास पर अपने तबादले की मांग लेकर पहुंची थी। इसी बीच जब शिक्षिका की मांग का समाधान ना हुआ तो उन्होंने जनता दरबार के बीच ही सीएम को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। इसके बाद गुस्से में सीएम ने पहले अधिकारियों को शिक्षिका को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों को शिक्षिका को हिरासत में लेने के निर्देश भी दे दिए। बहुत बार जा चुका हूं सर, एक साल हो गया सर। अरे सस्पेंड हो गए, भी बता दिया मैंने तुमको, इसको सस्पेंड कर दीजिए इसको, ठीक है? चिट्ठी लो, सस्पेंड करो इसको, आदि ले जाओ ना, इसको ले जाओ ना, इसको चोर उठा के कहीं क्या अंदर रखो। अरे आ जाओ मैडम, आ जाओ। साला शराब के व्यापारी, मेरे पति को शराब पिला पिला के मार रहा, शराब के व्यापारियों ने, ले जाओ ना इसको। हां चोर उठा के कहीं क्या अंदर रखो, क्या इसको ले जाओ, कस्टडी में लो इसको। बहुत बार जा चुका हूँ सर, एक साल हो गया। एक मिनट कभी सुनते हैं किसी की, आ जाओ ना, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हर कोई नहीं था अपनी जगह, कुर्सी में बैठ रहा था ऐसा समय तो नहीं के पास, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या करा सुशीला पालूनी ने, क्या करा? अरे आ जाओ मैडम, आ जाओ। साला शराब के व्यापारी, मेरे पति को शराब पिला पिला के मार रहा, शराब के व्यापारियों ने, कोई बात नहीं। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ लोग घुस जाते हैं, एक आध कोई ऐसा हो ही जाता है, कोई ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए सर।